मैं स्वदीप सर से पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नोट्स बना के रखें, और जो आपका राइटिंग है उस पे मतलब व्हाट यू हैव लर्न्ड उसको जब आप पेपर पे लाते हैं तो आपका एक प्रोडक्ट होता है। तो स्वदीप सर, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि नोट्स कैसे बनाए, हाउ टू राइट एन आंसर, उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे, बिकॉज यू बिलोंग टू योजना आई। एक्चुअली अगर हम कोचिंग की बात करें तो जैसा सरोज सर ने कहा एक बात कि कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं कराता है। ये बात तो सही है कि कोचिंग आपको उठा के यूपीएससी में डायरेक्ट भर्ती नहीं करा देगा कि आप लवासा ना पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए जो रास्ता है वो तैयार करने में बहुत मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही ने कहा सरोज सर ने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग आपको गार्बेज से बचाता है, कि आपको क्या नहीं पढ़ना है ये कोचिंग में जाने के बाद समझ में आता है। क्योंकि ऐसे तो मार्केट में बहुत सारा सारी चीजें हैं, चाहे ऑप्शनल के लिए ले लीजिए या जीएस के लिए, तो इतने विषय हैं या उन विषयों की सॉरी इतने इतनी बुक्स हैं उन विषयों की कि इतना सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें क्या कर लें कैसे कर लें। ठीक है, इन गार्बेज से कोचिंग बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, और सबसे ज्यादा चीजें जब वहां पे पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो लिखने की शैली में सुधार होता है। वहां पे जो टीचर हैं वो आपको बताते हैं कि इस आंसर में क्या कमी रह गई है और आप इसको और कैसे बेहतर सुधार सकते हैं। क्योंकि वो जो टीचर वहां पे होते हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी फील्ड के इंटरव्यू दिए हुए, या वो जहां उनके लाइफ में जो कमी रह गई है वो इसलिए ही पढ़ाते हैं कि वो कमी आने वाले बच्चों के साथ ना रह सके और वो सिलेक्शन ले सके। तो कोचिंग का ये रोल तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लाइफ में, अगर वो कोचिंग करना है मतलब करना चाहते हैं तो। नोट्स बनाने में मददगार, क्या नहीं पढ़ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने में, ये सब सारी चीजें में, और आंसर जी राइटिंग।